हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइनो कोड यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि बबल न्यू रिस्पॉन्सिव इंजन में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। फर्स्ट तो हम अपने पेज की साइज को डिफाइन करते हैं एंड लेआउट में जाकर इसे फिक्स विड्थ से रिमूव करते हैं, रो चूज करते हैं एंड सेंटर अलाइनमेंट करते हैं एंड यहाँ पे 1200 पिक्सल विड्थ फॉर यूआई बिल्डर एंड मिनिमम हाइट 720 पिक्सल। आफ्टर दैट इसमें एक मेन ग्रुप यूज करते हैं ग्रुप रो चूज कर लेते हैं इसका कंटेनर लेआउट एंड सेंटर कर देते हैं एंड आफ्टर दैट इसका मिनिमम विड्थ 100% कर देते हैं एंड हाइट 720 पिक्सल। इस ग्रुप का नेम ग्रुप मेन कर देते हैं। अब इसमें एक ग्रुप और यूज करते हैं इसको भी रो चूज कर लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट इसका मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल करते हैं एंड मैक्सिमम 15% कर देते हैं एंड हाइट 720 पिक्सल। सेम ग्रुप को कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम ग्रुप बी के अंदर एक ग्रुप यूज करते हैं को रो चूज कर लेते हैं एंड सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं एंड वर्टिकल अलाइनमेंट कर देते हैं। इसकी साइजिंग चूज कर लेते हैं 300 पिक्सल एंड मैक्सिमम 410 पिक्सल एंड हाइट 420। इसके अंदर एक इमेज यूज कर लेते हैं इमेज अपलोड कर लेते हैं यहाँ लेआउट में जाकर इसको फिक्स से रिमूव करते हैं इसकी मिनिमम विड्थ जो हो जाएगी वो 300 एंड कीप एलिमेंट एस्पेक्ट रेट को फिक्स और इमेज को सेंटर में कर देते हैं और इसके मेन ग्रुप को मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल एंड राइट 10 पिक्सल। आफ्टर दैट सेकेंड वाले ग्रुप में एक ग्रुप यूज करते हैं ग्रुप ई के मेन ग्रुप को सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं और आफ्टर दैट ग्रुप ई को फिक्स विड्थ से रिमूव करके कॉलम चूज कर लेते हैं और इसको वर्टिकली अलाइनमेंट कर देते हैं। अब इसकी भी मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल ले लेते हैं एंड हाइट 420 पिक्सल।
और इसको भी लेफ्ट मार्जिन 10 पिक्सल एंड राइट मार्जिन 10 पिक्सल। एंड इसकी मैक्सिमम विड्थ 410 पिक्सल। अब इसके अंदर एक ग्रुप यूज करते हैं, इसको कॉलम चूज कर लेते हैं एंड इसकी मिनिमम विड्थ जो हो जाएगी 300 पिक्सल। मैक्सिमम मिनिमम हाइट 18 पिक्सल। अब इसमें एक टेस्ट यूज कर लेते हैं, इसको नेम चेंज कर देते हैं और लेआउट में जाकर इसकी हाइट मिनिमम हाइट 14 पिक्सल कर देते हैं। टेस्ट को रिमूव स्टाइल करके सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर वर्टिकली। उसके बाद इनपुट यूज करते हैं, इसको भी मेक दिस फिक्स विड्थ से रिमूव करके 300 पिक्सल कर देते हैं। मिनिमम विड्थ एंड मिनिमम हाइट 14 पिक्सल। आफ्टर दैट इसी ग्रुप को दो बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। After that, इसमें apply gap spacing between element के बीच में space 20 pixel का कर देते हैं। उसके बाद एक button use कर लेते हैं, सबमिट नहीं का एंड मिनिमम बिट 115 पिक्सल एंड हाइट 14 पिक्सल मिनिमम हाइट। अब हम इसको रिस्पॉन्सिव में जाके चेक कर सकते हैं कि जो मैंने ग्रुप को क्रिएट किया है या फॉर्म को डिजाइन किया वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है या नहीं। टेबलेट मोड पे बेस दिख रहा एंड मोबाइल पे भी बेस दिख रहा। आफ्टर डैट इसको रिव्यू करके चेक कर लेते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप मोड में, अब इसको इंस्पेक्ट करके मोबाइल व्यू में भी चेक कर लेते हैं एंड टैबलेट व्यू में। ये हमारा फॉर्म मोबाइल व्यू में भी परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है एंड आफ्टर दैट चेक टैबलेट मोड।
हमारा फॉर्म टेबलेट में भी बेस्ट परफेक्ट शो हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस।